पाकिस्तानी सीमा हैदर दी किसने कीती कुटमार? कुटमार तो बाद दियां वीडियोज हो रही ने वायरल, बां ते पए ने नील, अख चो निकल रहा खून। कहंदी होई सुनाई दे रही है कि मेरे नाल इदां क्यों करदा है। दरअसल बीते दिन तो ये सोशल मीडिया ते वीडियोस काफी तेजी दे नाल वायरल हो रही ने, जिस दे विच सीमा हैदर जिस दे मुंह ते काफी निशान पए हुए ने, बांह ते नील पए हुए ने, अख पूरी लाल है, इंज लग रहा है कि खून हुणे बाहर आ जाएगा अख चो। तां ये वीडियोस देख के लोग बड़े हैरान हुए, क्योंकि सीमा हैदर जो कि एक गेम खेडन दे दौरान सचिन दे नाल, जो कि नोएडा दा रहण वाला है, उस दे नाल प्यार दे विच आउंदी है, पाकिस्तान पार करके बॉर्डर पार करके अपने बच्चियां समेत वो सचिन दे कोल रहण लग जाती है, ते हुण वो सचिन दी धर्म पत्नी बन गई है। दोनों पति पत्नी अपना सोशल मीडिया अकाउंट अते यूट्यूब चैनल चलाउंदे ने ते चंगा कमाउंदे खाउंदे, चर्चा दा विशा आए दिन बने रहिंदे ने, ते हुण फिर सीमा हैदर है वो चर्चा दा विशा बन गई है। दरअसल वीडियोज़ जिहड़ियां ने ये फेक दसियां जा रहियां ने। सीमा हैदर का कहना है कि पाकिस्तान च बैठे लोग जो उसनू पसंद नहीं करते, उन्होंने वालों ए आई की मदद के नाल ये वीडियोज़ नू क्रिएट किया गया है और इसनू सोशल मीडिया से जान बुझ के वायरल किया गया, ताकि सीमा अते सचिन दे विचाले दूरियां वध जान अते लोग उन्होंने खिलाफ हो जान ते उन्होंने बदनाम करने लई ये सब कुछ किया गया। पर इस मौके सीमा हैदर का मूँह बोलिया भरा वकील सिंह भी बोलिया है, अते सीमा हैदर ने खुद एक वीडियो सोशल मीडिया से अपलोड करके इस बारे जानकारी दिती है। आओ जानते हाँ इना वीडियोस दे पिछे दा असल सच। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे सभी को। तो मैं सीमा मीणा, वाइफ सचिन मीणा, मैं अपने रघुपुरा उत्तर प्रदेश नोएडा में रह रही हूँ, और मेरी मीणा फैमिली बहुत अच्छी है, और मीणा जी के साथ मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ। कुछ न्यूज चैनल, पाकिस्तानी न्यूज चैनल, मुझे शर्म आती है कि रमजान के पवित्र महीने में भी झूठ बोलने से बात नहीं आ रहे। वो नहीं समझते कि मैं भारत में हूं, उत्तर प्रदेश में हूं, वो नहीं समझते कि यहां के मुख्यमंत्री महाराज योगी जी के संरक्षण में हूं मैं, और उनके संरक्षण में कोई महिला, कोई औरत, कोई व्यक्ति दुखी रह ही नहीं सकता। और मैं अपने भाई वकील डॉक्टर एपी सिंह के साथ लगातार कांटेक्ट में रहती हूं। ये सब झूठी खबरी हैं, इन पे कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये केवल गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और मैं बहुत 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 ही ज्यादा खुश हूं, और इस तरह की जो चीजें चल रही है, इस तरह की चीजें मेरे जीवन में हो ही नहीं सकती, अगले 7 जन्म में नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है, मैंने अपने प्यारे भाई डॉक्टर एपी सिंह को राखी बांधी है। तो ये तो सोचना भी गलत है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है। तो प्लीज फेक न्यूज से बचिए, सबसे यही रिक्वेस्ट है। हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हमारा पूरा परिवार अच्छे से रह रहा है, मेरे पति जी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो इतना ही कहना था, फेक न्यूज से बचिए। जय श्री राम। आज जो खबरें चल रही हैं बहुत से बड़े बड़े चैनल्स पर कि सीमा सचिन मीणा की आपस में कोई लड़ाई हो गई है, बहुत लोग छटकारे ले रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से भ्रामक हैं, गलत हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के तहत बना बना के नकली डाल रहे हैं वो लोग, अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। पिछले दिनों आपने देखा, कहीं दिखाया गया सीमा के ददिया ससुर एक्सपायर हो गए, कहीं ससुर एक्सपायर हो गए। इस तरह से झूठी झूठी अफवाहजनक खबरें चला चला के इस तरह सोशल मीडिया जो यूट्यूबर्स हैं उनको भी बदनाम किया जा रहा है। पाकिस्तान के कुछ तथाकथित न्यूज चैनल ऐसा कर रहे हैं, सावधान रहना है सभी को। अभी भी मेरा लगातार अभी भी बात, कोई ऐसी खबर नहीं है सीमा सचिन मीणा के बीच में जिसमें कहीं कोई लड़ाई तो जीवन में उनमें कभी नहीं हो सकती। ये तो बता दूं, वो भारत की संस्कृति सनातन पद्धति में रहे हैं, उन्होंने सीता और राम का इतिहास देखा है, राधा और कृष्ण का इतिहास देखा है, उनकी पूजा करती हैं,
श्रद्धा और भावना के साथ रहती हैं, ये तो दिमाग से निकाल दीजिए आप। और निश्चित तौर पर ये इस तरह से उनको, उनके परिवार को, सचिन को बदनाम करने की जो साजिश है, वो डॉक्टर ए पी सिंह की बहन है, और डॉक्टर ए पी सिंह जिसको बहन बनाता है, जांच परख के बनाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो बहन बनती है डॉक्टर ए पी सिंह की, वो भी अपने में गौरवशाली होती है, अपने में बहुत ही विशाल होती है, अपने में बहुत सहृदय होती है। उस गरिमा को निभाने का काम हर बहन, हर महिला डॉक्टर ए पी सिंह की बहन नहीं बन जाएगी, लेकिन जो डॉक्टर ए पी सिंह की बहन बनती है, राखी बांधती है, वो जीवन में दिखा भी देती है कि वो बहन है और रहेगी।